प्रोमोस तो बहुत अमेजिंग है जिस तरीके से हमने देखे हैं अब तक, शो के बारे में थोड़ा सा अगर रोशनी डालें। जी, प्रतिदिन बहुत सी बातें और ख़बरें जो निकलती हैं वो थोड़ी सी निराशजनक होती हैं, और इस निराशा के बीच में बहुत से ऐसे क्षण हैं सबके जीवन में और ख़ास तौर से देश के अन्य भागों में, समाज में, जहां लोग कुछ अच्छा नेक काम भी कर रहे हैं, और उनके बारे में उनको सुनना, देखना और उनके बारे में चर्चा करना, उनको एक मंच देना जहां पर उनके काम को सराहा जाए और सराहने के बाद उसका जश्न मनाया जाए, ये उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। इसमें आम लोग भी होंगे या सेलिब्रिटीज के साथ में होंगे, क्योंकि कल लिया बाती की टीम के साथ आपने शूट किया। जी जी, आम लोग भी होंगे या सेलिब्रिटीज के साथ में आम लोगों का कोलैबोरेशन होगा शो पे? आप कोलैबोरेशन तो कहाँ है हमारे स्टार की टीम है यार, हमारे लोग कहाँ है, हमारे सहयोगी सब, आप बताएं मैडम। सर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सर, बट यू स्पीक टू बेसिकली से अबाउट द पीपल। हां, तो अगर वो तय करेंगे कि किसी को साथ में आना है, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सब जितने लोग भी आते हैं हमारे कार्यक्रम में सब के सब सेलिब्रिटी हैं, आप लोग भी आज सब सेलिब्रिटी हैं। जी सर, सबसे ज़्यादा जो पसंद किया गया ट्रेलर टैप डांस, क्लैप डांस जो है वो सबसे ज़्यादा। तो ताली हम लोग बजाते हैं जब कभी प्रशंसा करनी होती है किसी बात की, तो ताली बजाते हैं, ये जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है, तो जश्न जब मनाते हैं तो ताली भी बजती है, तो एक तरह से उनका हम उनका आदर सत्कार कर रहे हैं। सर आप इतनी सरलता से कह देते हैं, खुद भी एकदम यूनिक करते हैं और इतनी सरलता से कह देते हैं कि भाई हम ताली बजाते हैं और हम ऐसा करते हैं, बहुत सरलता से कह देते हैं, ये सब एनर्जी आती कहाँ से अमित जी आपके अंदर? और इतना इतना कैची लगता है आप जो भी करते हैं, और आप बड़ी आसानी से कहते हैं बहुत आसान है ताली बजाते हैं। तो ताली बजाने में क्या उसमें कष्ट है? लेकिन जो आप करते हैं वो बहुत नोटिस करा जाता है, और यहाँ इतना एनर्जी लेवल तो जैसे थोड़ी ना कोई बात होती है। क्या कहना चाहिए सर? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? किस बात पे? बहुत अपीलिंग, बहुत बहुत। अभी हम क्या मालूम हमको, हमको कहा ताली बजाओ, हमने ताली बजा दिया। चलिए सर, इसको थोड़ा सा रिफ्रेम करके बताते हैं। लगभग 2 साल पहले की बात है, 100 ईयर्स ऑफ सिनेमा सेलिब्रेट किए गए, 40-45 साल से ज़्यादा तो आपने देख ली है उस सिनेमा के सारे उतार चढ़ाव। जी ऐसे बोल रहे हैं जैसे बहुत बड़ी गलती कर दी है। नहीं सर, ऐसा नहीं। आपका स्वभाव ऐसा ही था। लेकिन एक वो जो होती है ना अंदर से, ऐसी क्या वो इच्छा होती है, या क्या वो एक ऐसी एक अग्नि या आग ऐसी क्या होती है जो कहती है नहीं चलते रहो, तुम्हें जिंदगी यहाँ रोशन करनी है, तुम्हें लोगों के चूल्हे जलाने? नहीं, इतने सारे प्रश्न हमारे मन के अंदर नहीं जाते हैं, हमको नौकरी मिल जाए बस यही कहो, देखते हैं कि कहाँ हमको काम मिल रहा है। आजकल बड़े कठिनाइयाँ हैं होती हैं उसको, लेकिन अब वृद्धावस्था में ऐसा ही होगा, ऐसा मान के चलना चाहिए, और अगर काम मिल जाता है तो उसको जितना बन पाए, जितना कर सकें उसको करने का प्रयत्न करते हैं। ये एक तो जो इसका रूपांतर था वो हमको अच्छा लगा, कि आम जिंदगी में हम प्रतिदिन देखते हैं आपके माध्यम से और अखबारों वगैरह में बहुत सारी निराशजनक बातें छपती हैं, निकलती हैं, अच्छी बातें भी छपती हैं लेकिन निराशजनक जो हैं वो ज़्यादा हैं, और इस बीच में कुछ लोग अगर अच्छा काम कर रहे हैं और उसके बारे में समाज को या जनता को जानकारी नहीं है, तो क्यों ना उनको चुन करके हम बाहर लाएँ, उनका परिचय दें आपसे, और जनता से भी उनका परिचय करवाएं, एक ऐसे मंच पे उनको प्रस्तुत करें जो एक ऐसा मंच है जहां लाखों लोग उसे देखते हैं, और हो सके तो उससे प्रभावित हों लोग कि वो भी अच्छा काम कर सकें कभी अपनी ज़िंदगी में। किन क्षेत्रों से आएंगे वो लोग, मतलब अलग अलग क्षेत्र से, ये कोई निर्णय नहीं है कि यहीं से ही लेना है, जहाँ कहीं भी कोई अच्छा काम करता हो उससे हम चुके। अब ये तो जवाब देखेंगे तो ये आप निर्णय कीजिए, हमने तो अपने मन से कर दिया है, और हमने कभी इसे इरादे के साथ नहीं किया कि देखो ये ऐसा होगा ये ऐसा होगा, ये तो इसका निर्णय आप लोग करते हैं, क्योंकि आप लोगों का नज़रिया अलग होता है और उसका हम लोग पालन करेंगे। सर एक बात अगर मैं कहूँ, लगभग 15 साल हो गए हैं जब एक बार आप फिर से स्टार्ट के साथ में आए,
ये मेरे ऊपर मत ला दिए, मैं तो केवल ये चाहूँगा कि इसे लोग देखें और अगर इन्हें पसंद आए तो इसकी सराहना करें, और अगर इनमें से कोई ऐसा दृश्य या कोई ऐसा समा उनके मन में अगर भाता है, तो अगर मान लीजिए कोई एक प्राणी अगर ऐसा काम कर रहा है और इसको देखने के बाद अगर 3-4 प्राणी और करने लगें, तो हो सकता है कि इसमें बदलाव आ जाए, कुछ बेहतरी हो जाए लोगों में। तो वो 15 साल पहले के वो समा आज याद आता है जब आप ऐसे शूट्स में जाते हैं? मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं, पता नहीं आपने कहाँ देखा ये सब समा। हमने तो ऐसा देखा नहीं, हम तो देखते थे सब सड़क वड़क पे लोग घूमते रहते थे। मैडम आप बहुत नाराज तरीके से। तो या आई थिंक दैट यू नो व्हेन यू एसोसिएट योरसेल्फ विद एनी शो इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट यू वांट टू गेट इन्वॉल्वड। आई रियली हैव नॉट रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इन्वॉल्व। आई बिलीव दैट you're either with it or not music with it. The... Yeah, but you know that's nothing unique or nothing special. I think that everyone wants to put their heart and soul into whatever they're working. And if you have a suggestion and if you are capable of doing something which is acceptable to the creative team, then you go ahead with it. Thank you. Thank you. Thank you.